अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 24 नवंबर 2019 की, हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, बस एक दिन का और इंतजार। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर से अंतिम दौर की सुनवाई हो रही है शुरू। तो बस कल भर का और इंतजार करना है दोस्तों, उसके बाद आपकी सबसे बड़ी सुनवाई शुरू हो रही है। आपका कोर्ट में लगभग 2:15 या 3 बजे से आपकी सुनवाई शुरू हो सकती है इसी दौरान। तो दोस्तों उस दिन आपके पास एक लंबा समय रहेगा, तो आपका केस अच्छे से सुना जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, 29 नवंबर तक केस फाइनल होने की पूरी उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, अगले सप्ताह। जी हाँ दोस्तों, जो कल से ही शुरू हो रहा है यार, अगले सप्ताह क्या। तो मतलब दोस्तों साफ है कि 29 नवंबर को आपका है फ्राइडे, शुक्रवार। तो दोस्तों अगर फ्राइडे तक हमारा ऑर्डर रिजर्व होने का पूरा संभावना है, क्योंकि अगर दोस्तों 4 दिन आपकी पूरी सुनवाई चलती है, तो सिंपल सी बात है यार, 4 दिन में 4 से 5 सबमिशन आराम से कंप्लीट किए जा सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों अगर 4 दिन भी लगातार सुनवाई होती है, तो आपका कोर्ट केस जो है वो फाइनल होने की कगार पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, जाने फाइनल कटाप क्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल कटाप पर क्या बड़ा फैसला आ सकता है, क्या करेगी सरकार, कहां से आएगा फैसला, सब कुछ जानेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, लगभग 1 साल का समय पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को अब 1 साल समय पूरा होने वाला है। आपकी विज्ञप्ति दोस्तों 1 दिसंबर 2018 को जारी की गई थी, दिसंबर 2018 में। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आज 24 तारीख हो चुकी है, तो मतलब 1 सप्ताह के अंदर आपका 1 साल का समय पूरा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 2022 तक की क्या है अफवाह। जी हाँ दोस्तों, आप लोग काफी अफवाह देख रहे होंगे कि ये शिक्षक भर्ती 2022 तक जा सकती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 2022 में ही आपको नियुक्ति पत्र या ज्वाइनिंग मिलेगा, तो इसका रीजन दोस्तों क्या है, इस वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, 68,500 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 25 नवंबर को कोर्ट नंबर 20 में एडिशनल नंबर 1 पर होगी। तो दोस्तों कल आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होगी, तो एक अच्छी खबर है उनके लिए। और दोस्तों एक और बात बता दें, अब 68,500 शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई है बिल्कुल अंतिम दौर में आ चुकी है, तो मतलब उसमें भी बहुत ही जल्दी फैसला आने की पूरी संभावना बन रही है। तो अब ज्यादा समय नहीं लगेगा 68,500 शिक्षक भर्ती को फाइनल होने के लिए, तो बस ये भी बिल्कुल अंतिम दौर में है इस समय। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, 68,500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वाले दोषियों पर दर्ज कराए प्राथमिकी या FIR, हाई कोर्ट ने दिया है आदेश। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है, तो मतलब जो गड़बड़ी कर रहे हैं अब उन पर दर्ज होगी FIR। यूपी टेट 2019 की परीक्षा में कोई अपात्र नहीं, परीक्षा संस्था निरस्त नहीं करेगी कोई भी आवेदन। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि इस बार जो यूपी टेट 2019 के आवेदन लिए गए हैं, तो उनमें से किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। रीजन क्या था दोस्तों, जो इन्होंने सॉफ्टवेयर को उसमें लगा रखा था, मतलब साफ है अगर आप डीएलएड के अंतिम वर्ष में, तभी तो आप आवेदन कर सकते हैं ना। पहले से सारी कंडीशन या बीएड के अंतिम वर्ष या फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं, सब कुछ पहले से डिसाइडेड था, तो इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो मतलब साफ है, जितने बच्चों ने आवेदन कर दिया है सबको पेपर देने का पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद दोस्तों अगर आपने जानबूझकर अपना नाम पता ये सब गलत लिखा है, उसके बाद कुछ और कार्रवाई अगर कर सकता है यूपीटेट तो वो करेगा। तो इसको लेकर दोस्तों बात अलग है, लेकिन फिलहाल हर एक बच्चे को पेपर देने का पूरा मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। यही तो दोस्तों पूरी अपडेट थी कि यूपीटेट 2019 में कोई अपात्र नहीं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में सभी बच्चों को यार जानना है कि आखिर होगा क्या। देखिए पहले बात करेंगे 2022 तक की क्या है अफवाह। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि यार क्या सच में ये शिक्षक भर्ती 2022 तक खींची जा सकती है। देखिए 2019 समाप्ति की ओर आ चुका है, मतलब साफ है कि 1 महीने में आपका 2019 के समाप्त हो जाएगा, 2020 की शुरुआत हो जाएगी। तो 2020 तो दोस्तों बिल्कुल पास में आ चुका, तो मतलब साफ है 2020 और 2019 तो दोस्तों बस बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है आपका। तो मतलब यार 1 साल तो हमारा लगभग पूरा हो चुका है, 2018 से शुरू हुई भर्ती, तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 2018 को भी अगर हम काउंट कर लें तो ये शिक्षक भर्ती को आपके लगभग 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो लंबा समय दोस्तों हो जाएगा, मतलब 2019 के समाप्त होते ही लगभग आपका 2 साल का समय पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई पूछेगा आपकी शिक्षक भर्ती कब आई थी, तो दोस्तों आप बोलेंगे 2018 में, लेकिन अब शुरुआत हो जाएगी आपकी 2020 की। तो देखिए 2022 वाली जो बात हो रही है कि 2022 में आपके चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होगा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जो कि आपको पहले से पता था। इससे पहले भी दोस्तों आप लोग का सब कुछ हो रहा था कि यार नौकरी मिलेगी या नहीं, जो आपका सेंट्रल के चुनाव थे दोस्तों, तो वहां पर भी कुछ नहीं हो पाया। और यहाँ देखिए एक चीज बता दें कि आपका डबल बेंच का जो फैसला होगा बहुत ही ज्यादा दोस्तों जाएगा, तो वो जनवरी तक या जनवरी 2020 या दिसंबर 2020 के 2019 के लास्ट में
मतलब आपको दोस्तों ये पता चल जाएगा आखिर आपका डबल बेंच का फाइनल फैसला क्या है, डीबी का फाइनल फैसला, ठीक है ना। डबल बेंच का दोस्तों जो भी फाइनल फैसला आएगा उसके आधार पर आगे शिक्षक भर्ती की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। अगर मान लेते इन केस 40-45 की फिर से जीत होती है, इसको समझिए, मान लेते दोस्तों 40-45 की जीत हो जाती तो हो सकता है कि सरकार इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे। हाँ, फिर ये होगा ना आपका कि अंतरिम राहत पर आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों डबल बेंच के फैसले में क्या लिखा रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए आपका सिंगल बेंच का जो फैसला था उसमें ये भी कहा गया था कि 3 महीनों में रिजल्ट जारी करके शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। तो दोस्तों वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपने ये सब देखा कि सबको लग रहा था कि यार सिंगल बेंच के फैसले को सीरियसली लिया जाएगा, लेकिन वहां कुछ हुआ नहीं, तो मामला डबल बेंच में आ गया। उसके बाद दोस्तों डबल बेंच का जो फैसला आएगा उसके बाद मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, तो मतलब दोस्तों मामला इधर उधर घूमता रहेगा। तो इसी के आधार पर सभी बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा है कि क्या सच में शिक्षक भर्ती 2022 तक जा सकती है। देखिए दोस्तों 2022 बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, क्योंकि अभी 2020 भी नहीं शुरू हुआ है। तो दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा भी तो 2020 में वो फाइनल हो जाएगा। जब आपका 2019 में सिंगल बेंच से मामला फाइनल हुआ, देखिए डबल बेंच से भी फाइनल हो जाता, उस समय अगर आचार संहिता लागू ना होती तो आपका मामला डबल बेंच से भी फाइनल हो जाता। देखिए तो वहां पर छुट्टियां पड़ी गर्मियों की 1 महीने की, देखिए कहीं ना कहीं से आपकी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं दोस्तों, किस्मत ही आपकी खराब होती है, कभी जज साहब नहीं आते, कभी हड़ताल हो जाती है, क्योंकि आपका जिस दिन डेट लगता है, देखिए डेट भी तो रोज नहीं लगती ना, दिक्कत तो ये है। अगर आपको दोस्तों एक बात पता कि अगर 1 हफ्ते भी अगर आपका केस लगातार सुन लिया जाए तो आपके केस का निपटारा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी हो ही नहीं पाता कि 1 हफ्ते भी इतने हाई प्रोफाइल केस को सुना जा सके। देखिए जहां पर 4 लाख बच्चों का कैरियर डिपेंड करता है, दाव पर है, मतलब साफ ये है दोस्तों कि या तो नौकरी मिले या तो ना मिले। अब दोस्तों होता क्या, आपकी एज भी बढ़ती जा रही है, लगभग 1.5 साल हो रहे हैं शिक्षक भर्ती को, दिसंबर में मतलब जैसे कंप्लीट होगा तो हम लोग कहेंगे 2 साल हो गए, ठीक है ना। फ्लू फ्लो में दोस्तों सभी ये कहेंगे ना, फ्लो में ये कह देंगे 2 साल हो गए यार, अभी तो कुछ नौकरी नहीं मिली। तो दोस्तों एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है माइंड पर यार, कि 2 साल में एक शिक्षक भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती, तो आने वाले टाइम में जब कोई नई शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें क्या होगा। देखिए अगर आपकी जो शिक्षक भर्ती है दोस्तों 6 महीने से 1 साल में कंप्लीट होना, उससे फायदा क्या होगा, आपको ही फायदा होगा कि आपकी जो तैयारी रहेगी वो और अच्छी आप कर सकते हैं 6 मंथ टू 1 ईयर। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पाता, इतने लंबे समय तक आपकी शिक्षक भर्ती खिंच जाती है, जिससे आपका नुकसान काफी ज्यादा होता है। काफी बच्चे अभी डाउट्स में है कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं, अभी दोस्तों ये भी डाउट्स है कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी। देखिए दोस्तों इस बार डबल बेंच के जस्ट आप पर सब कुछ डिपेंड्स करेगा कि वो फाइनल कट ऑफ क्या देंगे। ये बात दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, अगर इसका कोई नियम या कानून होता बिल्कुल एट टू रेट, ठीक है ना, तो दोस्तों आपका देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था वहां पर सिंगल बेंच का, वहां से दोस्तों आपका फाइनल कट ऑफ 0 माना गया था, लखनऊ बेंच में 240-45 माना गया। अगर दोस्तों सब कुछ अगर होता ना कि नहीं यार इसमें यही रूल या कानून लगता है, तो दोस्तों दोनों जगह से फैसला सेम आता, मतलब साफ है दोस्तों सब कुछ जज साहब पर डिपेंड करेगा, वो फैसला 0 देते हैं, 0 कट ऑफ देते हैं, 40-45 देते हैं या 60-65। जी हाँ दोस्तों अब तक 2 फैसले आ चुके हैं, मतलब 0 और 40-45 के पक्ष में, अब दोस्तों अंतिम फैसला रहता है 60 और 65 के पक्ष में फैसला आना। तो क्या वो फैसला आएगा इस बार, तो सभी बच्चों के अंदर दोस्तों ये डाउट्स आ रहे हैं कि यार हो सकता है कि इस बार 60-65 का फैसला आ जाए और उसके बाद सरकार जो रहे वो अंतरिम राहत देकर नौकरी दे दे। सभी बच्चों को तो नौकरी ही चाहिए, सिंपल सी बात है, कुछ भी कहो, तो सरकार ये कर सकती है दोस्तों, अगर चाहे तो नौकरी आपको दी जा सकती है। अगर सरकार लेट लतीफी करेगी तो फिर से मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में एक बार अगर चला गया तो फिर से वहां भी आपको स्टे मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों स्टे तो समझ लीजिए जैसे आपके डबल बेंच से मिला, क्या स्टे मिला था दोस्तों, ये स्टे मिला था जब तक डबल बेंच में आपका मामला है तब तक सरकार चाहकर भी रिजल्ट जारी नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो मतलब दोस्तों ऐसे कुछ ना कुछ वहां पर भी हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर सरकार तेजी दिखाएगी, अगर तेजी नहीं दिखा पाती सरकार की तरफ से तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आपका मामला भाई कोर्ट में घूमता ही रहेगा। तो देखिए इस बार उम्मीद करते हैं दोस्तों कि शिक्षक भर्ती का जो चल रहा है आपका मामला वो बहुत ही जल्दी समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगा, समय कम है। तो समय कम क्या दोस्तों कि जो आपके जो जूनियर बच्चे वो भी नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में आ चुके हैं। अगर देखिए यह मामला आपका फाइनल पहले हो जाता तो आपको ये फायदा होता कि नए छात्र इसमें सम्मिलित ना हो पाते, लेकिन अब डीएलएड 2017 बैच आएगा और बीएड के नए छात्र आएंगे, मतलब कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होगा आने वाले टाइम में, लगभग 5 लाख नए बच्चे आएंगे, 4 लाख तो आप लोग तो दोस्तों उस समय काफी बच्चे टेट पास नहीं कर पाए थे इसलिए वो आवेदन नहीं कर पाए, तो इस बार लगभग 5 लाख छात्रों की तादाद होगी, तो मतलब है कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। अगर आप सही से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत काफी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फाइनल कट ऑफ को लेकर काफी बच्चे कह रहे थे क्या हो सकती है, देखिए दोस्तों फाइनल कट ऑफ की जो बात हो रही है तो ये फिर से हम बोलेंगे पूरा जस्ट आप पर डिपेंड करेगा दोस्तों, कि हम लोग कुछ भी तर्क लगाए कि यार ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन सच बात तो ये दोस्तों कि ये जस्ट आप पर ही डिपेंड करेगा कि वो जो चाहे वो फाइनल कट ऑफ दे सकते हैं।
चाहे वो शून्य कटाप दे सकते हैं, चाहे 40-45, चाहे 60-65। ठीक है, आपके विज्ञप्ति में कुछ भी नहीं लिखा। जी हाँ दोस्तों, विज्ञप्ति को हमने 10 बार पढ़ा, लेकिन दोस्तों देखिए आपका जो 68,500 का केस लिस्टेड है, ये वाली डेट है, ठीक है ना? तो ये आपके 25 नवंबर को डेट लिस्टेड है केस, ठीक है, इनका भी अब निपटारा होने वाला 68,500 शिक्षक भर्ती होगा। और दोस्तों एक अपडेट आई थी कि 68,500 दोषियों पर प्राथमिकी कराई जाए, ठीक है दोस्तों, मतलब FIR दर्ज। तो देखिए दोस्तों बोला क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 68,500 ने सहायक अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर FIR की कॉपी भी पेश करने को कहा है। तो दोस्तों सोच लीजिए इतने लोगों पर FIR होने वाली है। उसके बाद दोस्तों ये था यूपी टेट में कोई आपात नहीं, दोस्तों ये था पूरी अपडेट, देख लेते इसको भी थोड़ी सी जल्दी से। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 के लिए आवेदन करने वालों वाला कोई अभ्यर्थी अपात्र नहीं है और न ही किसी का आवेदन अपूर्ण है। परीक्षा संस्था ने यह दावा सभी आवेदन पत्रों की जांच के बाद नहीं किया है, बल्कि इस बार आवेदन के लिए प्रयोग किए गए सॉफ्टवेयर की खूबी के आधार पर किया है। ऐसे में इस बार 16,45,000 से अधिक सभी आवेदकों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। किसी का आवेदन परीक्षा संस्था निरस्त नहीं करेगी। तो दोस्तों एक अच्छी खबर भी थी आज आपके लिए। तो देखिए अब दोस्तों बात आती है कि 29 नवंबर तक केस फाइनल होने की पूरी उम्मीद कैसे। देखिए 4 दिन का समय पर्याप्त होता है अगर 40-45 की टीम सही से बोलती है, अगर आप ये अपना पक्ष रखते हैं तो। सिंपल सी बात है दोस्तों, 4 दिन का समय सफिशियंट होता है ऑर्डर आपको रिजर्व करने के लिए। तो अगर आपका फ्राइडे का ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तो मतलब साफ है दोस्तों कि आने वाले टाइम में आपकी जो शिक्षक भर्ती है वो बहुत ही जल्दी समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना? अगर आप लोग देखिए एक बात और है, अगर चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यार ये शिक्षक भर्ती 2022 तक फिलहाल नहीं जा सकती। रीजन यही दोस्तों कि कितना भी समय लगेगा तो 2020 में आपका सुप्रीम कोर्ट से मामला फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है ना? खाली दिक्कत ये आती है कि आपको सुनवाई के लिए डेट नहीं मिल पाती। अगर रोज डेट मिले तो ये आपकी शिक्षक भर्ती दोस्तों 1 हफ्ते से ज्यादा समय ना लगे, लेकिन भाई कोर्ट में इतने मामले आते रहते हैं आपको पता ही है, और आपके वकील भी दोस्तों समय मांग लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसा नहीं हर बार कोर्ट ही जबरदस्ती आपको डेट देती है, आपके वकील साहब लोग भी यार हर बार डेट ले लेते हैं कि चलो ठीक है हमें तैयारी का समय मिले प्रॉपर। तो सही बात है दोस्तों, इतना हाई प्रोफाइल केस है कोई भी गलती नहीं करना चाहेगा कि किसी भी पक्ष से गलती हो, क्योंकि एक गलती दोस्तों और कम से कम 30 से 40 हजार छात्रों प्रभावित होंगे। जी हाँ दोस्तों, 40-45 की जीत होगी तो शिक्षा मित्र अधिक तादाद में नौकरी पाएंगे, अगर 60-65 की जीत होगी तो बीएड के छात्र अधिक तादाद में नौकरी पाएंगे, और बात रहती है डीएलएड के छात्र, तो डीएलएड के छात्र दोस्तों वो तो नौकरी अपने पाएंगे, उनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा डीएलएड के छात्रों में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, ठीक है ना? तो 2022 तक की दोस्तों कोई अफवाह नहीं है, 2022 तक जो अफवाह आ रही है उससे आप सावधान रहिए, कुछ नहीं होने वाला, ये मामला बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। तो 2020 तक आपको नियुक्ति पत्र मिल ही जाएगा हर हालत में, ठीक है ना? मैक्सिमम टाइम दोस्तों 2020 ही रहेगा लास्ट, उससे ज्यादा नहीं समझ जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।